और तब जब मैं यहां आया कल तो I met a young man, Noah. Very humble. Musician लोग जल्दी humble नहीं होते. I saw. सबसे पहले प्रभु ने मुझे यहां मिलाया एक जवान से जो बहुत ही स्वीट है कीज में भी और वोकल साइड में उसका. मैंने बोला नहीं उसको, मैं बोला कल बताऊंगा. और तब मैं रात में डॉक्टर से पूछ रहा था कुछ डिटेल उसके बारे में कि क्या है उसका. मैं उसको एक लाइन पूछा था यहां पर कि अभी क्या करते हो, तो उसने बोला आई एम स्टडिंग. रात में जब बात हो रही थी मेरी, तो जो कुछ डॉक्टर से मुझे मालूम हुआ, इट वॉज वंडरफुल. हु इज ही? इस पूरे इसका मालिक इज इट? आप लोग सब जानते हैं, मिलेनियर आई कैन से. एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति को, एक पावरफुल अथॉरिटी, मनी इज अ वर्ड पावर, ऐसे व्यक्ति को माँ बाप पीछे क्यों पड़े रहते हैं कि तुम स्टडी करो? व्हाई? आप लोग बताइए. एक बच्चा जो है वो मिलेनियर है, कई अभी दो पीढ़ी तक भी उसको यदि कुछ नहीं काम करेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. हाँ, एकदम सही बोला. आज के डेट में इफ मनी पावर इज देयर, दैट इज नॉट इनफ. कोई भी बेवकूफ बना देगा. इसलिए मां बाप, चाहे वो कैसा भी हो, मां बाप यदि, मैं तो देखता हूं कि जो रिक्शा छाप लोग हैं वो भी अपने बच्चे को क्या चाहते हैं? वाई बाइबल स्टडी? आई एम नॉट गोइंग टू प्रीच समथिंग, प्रचार नहीं करता मैं. आई वॉन्ट टू गिव सम प्रैक्टिकल मटेरियल्स जो हमारे लिए इस भारत देश में बहुत जरूरी है. माय फर्स्ट पीरियड, आज का इस दो दिन के सेमिनार का जो पहला भाग है, व्हाई बाइबल स्टडी. मान लो बच्चा बोले, वेरी हम्बल, बहुत मेरे को इम्प्रेस किया कल उसने, और उसकी उसका हाथ कीबोर्ड पे, मैं पादरी पास्टर क्लाडियस को बता रहा था जब वो बजा रहा था यहाँ, तो मैं बता रहा था कि बहुत ही स्वीट है. टच वाला इंस्ट्रूमेंट हर एक से नहीं बजता. कभी कोई कीज पे ज़्यादा उंगली पड़ेगा, जहाँ आवाज कम आना चाहिए वहाँ ऊपर रहता है. तब यदि वो बोले कि मुझको नहीं पढ़ना, तो माँ बाप क्या बोलेंगे? माँ बाप चाहेंगे कि हाँ मत पढ़. हमेशा चाहे वो कैसा भी घर हो, कैसे भी पेरेंट्स हो, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा यदि कमजोर है तो उसको कोचिंग तो दुनिया भर के उपाय करता, पर पढ़ना चाहिए. हम लोग परमेश्वर को क्या बोलते हैं? हु इज ही? उसका नियरेस्ट रिलेशन हमारे साथ क्या है? फादर. एंड व्हाट ही सेज, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बोला जॉन 8:31-32, पढ़िए कोई. मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बातचीत किससे कर रहा था? ज्यूस.
And not, it was a common matter. Jews who believes on him. It means they were believers. तो पहली बात जो मुझे समझ में आई कि विश्वास करना इट इज नॉट इनफ. अभी भारत देश में विश्वासियों की गिनती नहीं है, इतने विश्वासी हैं. हमारे भारत देश में सुसमाचार लेके कौन आया सबसे पहले? थोमा. कितने साल हो गए? AD 60 में वो इधर आया और उसने यीशु नाम का प्रचार किया. उसने ये नाम इंट्रोड्यूस किया. अभी कितने क्रिश्चियन हैं भारत देश में? परसेंटेज क्या है? टू थ्री, मैक्सिमम 4%. चाइना में कब का सुसमाचार गया? रशिया में बहुत बाद में. वो नास्तिक देश थे. कई लोग बोलते हैं कि हम लोग विश्वासी लोग हैं और बाकी जो बचे वो सब कौन लोग हैं? अविश्वासी. हिंदू लोग भारत देश में इसलिए टांग तोड़ रहे हैं क्रिश्चियनों का. उनका विश्वास जो है वो दे नेवर डिनाइड देयर इज क्रिएटर. दे नोस कि हमारा एक रचने वाला है. वो भी उसको पिता ही बोलते हैं. बिलीवर्स कंट्री में थोमा आया और उसने यीशु का समाचार दिया. अभी तक 3-4%. और यदि आप देखोगे बाकी जितने भी देश हैं उसमें सब जगह परसेंटेज ज्यादा है विश्वासियों का. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? इस पे मेरा ध्यान प्रभु ने दिलाया कि बेटा इसको ध्यान कर. तो ये बोल रहा था कि पहली बात तो ये है कि यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी, दोज हु वेयर बिलीवर्स, उनसे बोला कि देखो दिस इज नॉट इनफ. इफ यू विल अबाइड इन माय वर्ड देन ओनली यू विल नो द ट्रूथ. एंड यदि आगे आप पढ़ोगे तो लिखा है कि ये लोग बहस कर रहे थे उससे. सबसे पहले बोला किसका नाम लिया मालूम? किसकी संतान है बोला? अब्राहम, अ मॉडल ऑफ फर्स्ट बिलीवर. विश्वासियों का पिता बोलते हैं ना. ये सीधा वहां तक गए कि बोले हम तो इब्राहिम उसके संतान है, तू कहां स्वतंत्रता का बात बोलता है. उसने उनको बताया कि देखो यदि तुम पाप करते हो तो तुमको अभी भी, यू आर बिलीवर्स. अब ये बहस कर रहे थे उससे. 41 पढ़िए उसका. तुम अपने पिता के सामने काम करते हो. तुम अपने पिता के समान काम करते हो. उससे कहा हम व्यभिचार से नहीं जन्मे. हमारा एक पिता है परमेश्वर. वो बोल रहा था कि ये लोग बोल रहे थे उससे, आगे बहस कर रहे उससे कि बोले हमारा एक पिता है. भारत देश में बिलीवर्स का कौन है पिता? हम जो विश्वासी लोग हैं हमारा भी एक ही पिता है. उनके तो बहुत सारे पिता हैं. कभी वो माता बोलते हैं, कभी पिता बोलते हैं, जिनके बीच में हम रहते हैं. पर बाइबल बताती है कि यीशु से ये लोग बहस कर रहे थे कि हमारा, वो बता रहे एकदम सच बोल रहे थे कि हमारा एक पिता है और हम और किसी व्यभिचार से नहीं जन्मे. आखिर इनको बोलना पड़ा. 44 पढ़िए. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता को लालसाओं को पूरा करना. You can read in English also, no problem. You belong to your father. You belongs to the your father. किनको बोल रहे थे? जो परमेश्वर को पिता बोल रहे हैं उसी को ये इशू बोल रहा था कि यू बिलोंग्स टू योर फादर.
आगे क्या लिखा है? इसका मतलब क्या हुआ? रीड इट इन हिंदी ऑल्सो. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता को लालसाओं को पूरा करना चाहते हो. आगे वह तो आरंभ से ही गलतियाँ है और सत्य पर स्थिर ना रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं. आगे वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है क्योंकि वह झूठा है पर झूठा झूठ का पिता है. फादर ऑफ लाइज. ये जो बोल रहे थे कि हमारा पिता तो परमेश्वर है, हम तो विश्वास करने वाले हैं, उनको यीशु ने सीधे बोला कि तुम्हारा बाप वो है. क्यों? कितने लोग हैं यहां जो झूठ नहीं बोलते? छोटी छोटी बात में. अभी द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू लाई, मोबाइल. मां ने पूछा कहां है बेटा, कभी राइट आंसर नहीं होता. वो रहेगा कहीं, जवाब देगा कहीं. इफ यू आर अ लायर तो बोलता है कि तुम विश्वासी हो, कि तुम क्या हो, तुम्हारा बाप कौन. दिस इज नॉट माय वर्ड, यीशु ने बोला. और इसलिए वो बोल रहा था आगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे. इसका मूल कारण यह है कि आज हमारे जीवन में पावर है, रिचनेस है, सब चीज है, पर पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 7:21. ये लॉर्ड लॉर्ड कौन बोलता है? ऑलवेज वेन एवर वी आर मीटिंग प्रेज द. कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, वी आर विशिंग बीइंग क्रिश्चियंस. बट ये बोल रहा है, इसको हमेशा याद रखने का, कि दोज हु आर स्पीकिंग लॉर्ड लॉर्ड. आगे विल फादर्स विल. इस सेमिनार में पहला विषय मेरा ये है, फादर्स विल. व्हाट इज फादर फादर्स विल? प्रोवर्ब्स 19 इन चैप्टर वर्स 2 सेकंड वर्स. मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं. सी अ लविंग फादर. मैंने शुरू किया कि नोवा के पेरेंट्स, उसको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, बट बीइंग पेरेंट्स, हर बाप हर मां चाहता है कि उसका बच्चा, चाहे वो कितना भी पावर क्यों ना हो, ही शुड गेन सम नॉलेज. एजुकेशन उसका बराबर होना चाहिए. नो डाउट आज के डेट में देयर इज टू वर्ड पावर, मनी एंड एजुकेशन. ये भी अपनी जगह पावर है, वो भी अपनी जगह पावर है, पर मां बाप सेटिस्फाई नहीं है. वो बोल रहे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ज्ञान नहीं है, इसको कोई भी किसी दिन बेवकूफ बनाएगा. सिमिलर परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसकी रचना उसका ज्ञान रखें. इज इट इन इंग्लिश ऑल्सो? 19:2. विदाउट नॉलेज होना अच्छा नहीं है. किसने बोला? दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड हु इज अवर फादर. नो डाउट यू आर नॉट, आप उसके बच्चे नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, हम सब उसके बच्चे हैं, पर कैसे बच्चे?
रिच पर्सनैलिटी। बाइबल बोलती है कि पौलुस ने लिखा कि उसने तुमको एडॉप्ट किया और तुमको वारिस बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ है सब तुम्हारा है बोला। बट स्टिल बोल रहे कि एक चीज कम है, नॉलेज। दिस इज द विल ऑफ गॉड। और जो परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलता है वो उधर एंटर करेगा ही नहीं। मान लो एक बच्चे के पास, माँ बाप के पास, कई बार फिल्मों में, कई बार प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि बच्चे बहुत, पेरेंट बहुत रिच है पर बच्चा नालायक है, तो माँ बाप को कई बार बोलना पड़ता है कि तुम चलो, तुम जब अपने पैर पे खड़े होना तब आना मेरे पास। सेम थिंग परमेश्वर यही बोल रहा है कि तुम्हारे पास मैं हूं, स्वर्ग का आशीष है, सब कुछ है, पावर है, एवरीथिंग। व्हाट अबाउट नॉलेज? होशे चैप्टर 6:6, विल ऑफ गॉड, परमेश्वर चाहता क्या है? क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। आगे, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हु इज योर फादर? हु इज माय फादर? वो बोलता है कि मैं हूं, मेरे से बड़ा धन कोई नहीं है, पर यदि तू ज्ञान रहित है तो ये अच्छी बात नहीं है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। फिर 4:6, होशिया 4:6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। उसका ज्ञान कहां मिलता है? दिस इज द बुक। गॉडली नॉलेज प्राप्त करना है तो ओनली वन बुक इज देयर, बाइबल इज इनफ। बाकी जितनी सपोर्टिंग किताबें हैं वो सेकेंडरी हैं। इफ यू आर नॉट अ गुड रीडर ऑफ द बाइबल, आप परमेश्वर का ज्ञान नहीं पा सकते। ये बोल रहे हैं कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। तुच्छ जानना किसको बोलते हैं? जब हम अपना फुल एनर्जी दिन भर संसार के कामों में लगा देते हैं और फाइनली लास्ट में जब रेस्टलेस रहते हैं, टायर्ड रहते हैं, तब बोलते हैं कि भैया विश्वासी बाइबल पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मली वी आर रीडिंग द बाइबल। उससे ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं देख रहा था डॉक्टर बच्चे को डांटा सुबह सुबह, एग्जाम का समय है आ तुम सब बंद करो, सिर्फ पढ़ाई करो। व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल फादर? एग्जाम मतलब क्या होता है मालूम? क्रिश्चियन लिविंग में एग्जाम, उसको अच्छा शब्द यूज किया, टेम्पटेशन, परीक्षा। जीसस इज आवर मॉडल। जब शैतान ने परीक्षा किया, पहला क्वेश्चन आया तो जीसस ने आंसर क्या किया? तीनों टाइम क्या आंसर किया? इट इज रिटन। यदि आपको यह नहीं मालूम कि व्हाट इज रिटन इन द बाइबल, आप कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे। इसलिए वो बोल रहा है कि स्टडी प्रोग्राम बनाओ, स्टडी द बाइबल, मेरा ज्ञान रखो। यशिया चैप्टर 5:13, यशिया चैप्टर 5:13, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधाई में जाती है, बंधन में पड़ती है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। वो ये नहीं बोल रहा है कि तुम मेरे लोग नहीं हो, मेरी प्रजा जो उसके लोग हैं, उसका ज्ञान नहीं होने से बंधवाई में जाते हैं। और उसके अच्छे अच्छे लोग क्या लिखे? उसके प्रतिष्ठित पुरुष और भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। कौन लोग? इंग्लिश में क्या है?
exercise your lack of understanding, their men of rank will die of hunger, and their masses will be parched with thirst. So men of rank with high level. Yes. High rank will die of hunger, and the common people will be parched with thirst. Means आपका कितना भी हायर लेवल क्यों ना हो लिविंग में, मैंने बात वहीं से शुरू किया, जैकब फैमिली, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड. मैं आज उनके इस इतने बड़े इसके बीच में खड़ा हूं. अ बेस्ट एग्जांपल कि इतना रिच होने के बाद भी वो अपने बच्चे के लिए चिंता करते हैं कि स्टडी समथिंग, व्हाई इज स्टडिंग, क्या जरूरत है उसको. पर नहीं, बाइबिल बोलती है पेरेंट्स नेचर, क्या कि बच्चा यदि अज्ञान है, बच्चा यदि उसको ज्ञान नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान उठाएगा. ये माँ बाप जानते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता भी ये बात जानता है, और इसलिए बार 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 वो कह रहे हैं 6:3 होशे चैप्टर 6:3 लेटस. कैसा शुरू किया? आओ हम परमेश्वर को, हम ज्ञान ढूंढे. ये किस बच्चा यदि ये बोलता है कि यस मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं हायर एंड हायर एजुकेशन करना चाहता हूं, तो कमजोर माँ बाप भी होंगे तो खुश होंगे कि बच्चा एजुकेशन में इंटरेस्ट रखता है. परमेश्वर भी, ये सारा सिमिलर नेचर है. एक पिता है वो हमारा, वो क्रिएटर है, सर्वशक्तिमान है, गॉड ऑलमाइटी, और बहुत सारी चीज हम जानते हैं, बट उन सबसे पहले वो हमारा, जैसे ही हम उससे बातचीत शुरू करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं हे हमारे पिता, आवर हेवनली फादर. और इसलिए वो जो फादर है उसकी इच्छा है कि बच्चे, धन भी है पर ज्ञान भी होना चाहिए. इट वॉज प्रोफेसीज जर्माया 31:34 एंड हिब्रू 8 में उसको कोट किया कि उसने बोला था, एक लाइन पढ़िए उसको क्या लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लोग मेरा ज्ञान रखेंगे. व्हाट इज इन इंग्लिश, दिस इज अ कवेनेंट आई मेक विद द हाउस ऑफ इज़राइल दैट आफ्टर दैट टाइम डिक्लेयर्स द लॉ, आई विल पुट माय लॉ इन देयर माइंड्स, आई विल पुट माय लॉ इन देयर माइंड्स. वो बोल रहा है कि आई विल डू दैट. तुम मन तो बनाओ अपना कि यस ओ लॉर्ड आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट You. ये जब मैं पढ़ता था तो एक लाइन पढ़ के थोड़ा परेशान हुआ. 1 Timotheus 6:20 पॉलुस ने तिमोथियस को कुछ चिताया, लिखा है हे तिमोथियस, इस थाती की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है. मैं अभी एक लाइन से जा रहा था, परमेश्वर चाहता है कि ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, आओ हम यहोवा का ज्ञान प्राप्त करें, और ये पौलुस लिखता है कि जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूले. ऐसा भी कोई ज्ञान है जिसको ज्ञान कहना इट विल बी अ मिस्टेक. मैं फिर हाथ पैर जोड़ के बैठ गया, मैं बोला कि जब ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है तो फिर आगे क्यों जाना है. तब उसने मुझे समझाया. इज इट इन इंग्लिश ऑल्सो, सेम लाइन पढ़िए. टिमोथी, गार्ड व्हाट हैज बीन एंट्रस्टेड टू योर केयर, टर्न अवे फ्रॉम गॉडलेस चैटर एंड द अपोजिंग आइडियाज, व्हाट इज फॉल्सली कॉल्ड नॉलेज, व्हिच सम. ये इस तरह का नॉलेज जो है वो हार्मफुल है, एक व्यक्ति के लिए भी और दूसरों के लिए भी.
कौन सा ज्ञान? James 3:13 पढ़ो. Who is wise and understanding among you? Who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in the humility that. अभी इसलिए उसने बोला कुछ ज्ञान ऐसा भी है जो इसके साथ नहीं है. बहुत ज्ञान है, बहुत जानता है, पर इस संसार का ज्ञान एक चीज पैदा करता है. क्या? कई बार कई लोग बोलते हैं कि यू नो हु आई एम, व्हाट आई एम. परमेश्वर का ज्ञान हम्बलनेस डेवलप करता है. जैसे जैसे आप उसको जानते जाओगे वैसे वैसे आप छोटे होते जाओगे. आपका कद तो उतना ही है, आप परमेश्वर के विषय में जान रहे हो तो आपका कद वैसे ही रेशियो में छोटा होता जा रहा है. जिसके पास वो ज्ञान है, गॉडली नॉलेज, हम्बलनेस होना चाहिए. इफ अ पर्सन विथ अ ब्रिलियंट नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड विदाउट हम्बलनेस, तो बोलता है ये ज्ञान को ज्ञान बोलना भूल, इट विल बी अ मिस्टेक. आगे लिखा है, आगे पढ़िए. तुम यदि एनवी और क्या बोला, स्वार्थ और अभी आप देखो, जब मैं यहां आके इस लेंस में देखता हूं क्रिश्चियन बाउंड्री को तो मुझे भय लगता है. लोगों को भय नहीं है, मुझे डर लगता है कि उस दिन क्या होगा इनका. आपस में क्रोध, डाह, एनवी और क्या, स्वार्थ, सेल्फिशनेस विथ द नॉलेज ऑफ गॉड. तो ऐसा अध्ययन से क्या फायदा? इट इज नेसेसरी टू गेन अवर नॉलेज, परमेश्वर का ज्ञान. मान लो कि एक बच्चा बहुत पढ़ लिख गया, मास्टर डिग्रीज है, पर लाइफ स्टाइल उसका एकदम बेकार हो गया, तो मां बाप बोलेंगे कहां कहां इसको पढ़ाया. आगे पढ़िए, नेक्स्ट लाइन. ये यदि ऐसा है तो कभी मत बोलना कि हम सत्य के बारे में कुछ जानते हैं. बोला आगे, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम हेवन, इट इज अर्थली. मैं भी फिर मेरा प्रश्न आया कि गॉडली नॉलेज अर्थली, इज इट पॉसिबल? यस, यही तो लिखा है कि यदि ये सब नेचर के साथ में गॉडली नॉलेज है तो दिस इज अर्थली. तुमने यहां खोजा वहां खोजा, आजकल गूगल में चले जाओ दुनिया भर का सब चीज मिल जाएगा. गेनिंग नॉलेज विदाउट दैट हम्बल लाइफ ऑलवेज एंड और क्या, अर्थली, अनस्पिरिचुअल. इसको हिंदी में क्या है? आगे, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से थ्रू रेवलेशन इफ यू आर गेटिंग, पहले तो पवित्र होता है. पहली बात तो वो होलीनेस डेवलप करता है. फिर मिलनसार वो किसी से भी मिलने के लिए. अभी तो मैं देखते रहता हूं दोज हु आर लीडिंग द चर्च, वो आपस में कई बार एक दूसरे से मिलने से कतराते हैं. प्रैक्टिकली I have seen in the India, बाहर तो मैं नहीं गया, पर यहाँ का जो क्रिश्चियनिटी का स्टैंडर्ड है वो ऐसा है. आज के दिन मिलनसार नहीं है आदमी, और क्या, कोमल होता है वो, हम्बलनेस.
जितना ज्यादा परमेश्वर का ज्ञान होगा थ्रू रेवलेशन इफ यू आर गेटिंग, वो हम्बल बनाता है. और मृदुभाव दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट, पक्षपात रहित होता है, कपट रहित होता है. हाउ इट इज पॉसिबल. क्या है भाई, इंग्लिश में पढ़ो एक आध जन उधर. नो, ठीक है, वो उतना पढ़ लिया बंद. ये बोर्ड में जो आया वो बोल रहा है. ये ऐसा नॉलेज कैसे संभव है? क्योंकि आदमी जैसे जैसे नॉलेज में बढ़ता है, जैसे जैसे परमेश्वर का ज्ञान, अभी देखो आप वर्ल्ड लेवल में एक से एक ज्ञानी लोग हैं, बहुत कुछ मालूम है, पर करेक्टर बिहेवियर इट इज नॉट देयर. परमेश्वर का जन दिखता ही नहीं है. मैं तो देखा कि बहुत सालों में एकदम कीड़ा जैसे इसके पीछे लगा था, यहां मीटिंग वहां मीटिंग इधर जाना. पर मैं जब मीटिंग के बाद करेक्टरिस्टिक देखता था तो मैं बड़ा परेशान रहता था. उसने बोला, बेटा इसका कारण बताता हूं तेरे को. ये जो बाइबल स्टडी है उसकी परिभाषा सिर्फ बाइबल पढ़ना या ढूंढान करना नहीं है. अ ट्रायंगल इज देयर, अ बिब्लिकल ट्रायंगल. प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 21. वॉइस इन हार्ट आर कॉल्ड डिसर्निंग एंड प्लेजेंट वॉइस इन. अच्छा, चलिए जरा एक जनरल बात पूछूं मैं आपसे. वाइज विजडम, मनुष्य की बुद्धि शरीर के कौन से भाग में होती है? वो बोलते हैं लोग ब्रेनी, बहुत ब्रेनी है. कहां होती है? बट दिस इज द विजडम, कहां होना चाहिए? इन हार्ट. देयर इज अ क्वाइट डिफरेंट. अभी यही नहीं मालूम लोगों को कि ये कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क है. ये हमको मालूम होना चाहिए. वो इसलिए तो बोला कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है. कुछ भी मालूम नहीं तुमको. क्या लिखा? जिसके हृदय में बुद्धि है वो समझ वाला कहलाता है. और Three words are there in whole book of Proverbs. क्या क्या? Wisdom, understanding. बार बार लिखा है. अभी आप जब दोबारा पढ़ो नीति वचन तो ध्यान करना कि ज्ञान, बुद्धि और समझ. If only ज्ञान is there, परेशानी में पड़ोगे. सिर्फ बुद्धि है और ज्ञान नहीं है तो भी परेशानी में पड़ोगे. बुद्धि और ज्ञान दोनों है, समझ नहीं है तो भी मां बाप के लिए ठोकर के कारण. इसको अच्छे से गॉडली विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज. इसको अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय. सी, बुद्धि और समझ के विषय में एक लंबा टॉपिक, लंबा एक बात बोला अय्यूब ने. ही इज गिविंग सम नॉलेज अबाउट बुद्धि और समझ. सिस्टर पढ़िए. वेट 12 एंड ऑनवर्ड्स. 12 से शुरू कीजिए और तब फाइनली 28 पढ़ेंगे हम. मनुष्य को इसका एड्रेस मालूम ही नहीं है, बोलता है. पढ़ते जाइए पूरा, आप घर जाके 2-4-5-6 बार पढ़ लेना. क्या लिखा? हाँ, इट कैनॉट बी बॉट विद द फाइनेस्ट गोल्ड नॉर कैन इट्स प्राइस बी
made in silver. It cannot be bought with the gold of Ophir, with precious onyx or sapphires. Neither gold nor crystal can compare with it, nor can it be had for it. Iska matlab ye jo buddhi hai, ye jo samajh hai, not by gold, not by silver ka matlab kya hua? आज का एजुकेशन खरीदा जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकता। कितना भी होशियार होगा यदि पैसा नहीं है तो ये नहीं मिलेगा, ये अभी खरीदना पड़ता है। पर ये बोल रहा है ये जो बुद्धि समझ है इसमें सोना चांदी इसको खरीदा नहीं जा सकता। क्या है आगे? He alone knows no, इस पृथ्वी पर तो पूरा बता दिया कि पृथ्वी पर है ही नहीं, कोई नहीं जानता और ना खरीदा जाता। He alone knows क्या लिखा आगे? Fear of the Lord is the, this is the definition of Bible. अभी मैं देखता हूं बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि, बहुत तेज है, ब्रेनी, फियरलेस, गॉट फियर नहीं, प्रभु का भय नहीं। और क्या लिखा? फियर ऑफ द लॉर्ड, विजडम मीन्स फियर ऑफ द लॉर्ड एंड आगे टू डिपार्ट फ्रॉम एविल इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। अब ये दोनों को ठीक से समझेंगे। यदि नोवा को पेरेंट्स का डर होगा, भय होगा, तो वो अपने आप को गलत बातों से बचाने का, दूर रखने का प्रयास करेगा। ये नेचर है। परमेश्वर यही बोलता है कि गॉड फियर नहीं है, यदि तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का डर नहीं है तो फिर ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का कोई मतलब नहीं। अंडरस्टैंडिंग मीन्स डर है तो बुराई से दूर रहेगा आदमी, नेचुरल अपने आप होता है ये। यदि परमेश्वर का भय नहीं है तो फिर आदमी नॉलेज भी है तब भी वो बुराई में फुल फंस रहता। तब ये जो विजडम है इसको यदि हम लोग ठीक से सुधार के पढ़ें 16:21 को अय्यूब के साथ में टैली करना तो इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, जिसके हृदय में प्रभु का भय है वह बुराई से दूर रहता है और तब ज्ञान बढ़ता है उसका, ईश्वरीय ज्ञान। इट्स अ फॉर्मूला। अब ये होता कब है? Proverbs 2:10 अभी क्या होता है देखो आप, कि जो गॉड फियर लोग नहीं है, फियरलेस लोग हैं उन, मैं तो एक ही बात से बताता हूं, यदि आपके अंदर परमेश्वर के वचन के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, आप देखना सिंगिंग, डांसिंग, प्रेजिंग, इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं सब, पर जैसे ही
वर्ड ऑफ गॉड का टाइम आता है तो लोग घड़ी देखना शुरू करते हैं. आई हैव सीन. व्हाट अबाउट यू ऑल? आई डोंट नो. पर बाइबल बोलती है भय नहीं है तो परमेश्वर का वचन में इंटरेस्ट नहीं आता. यदि इंटरेस्टेड है एक व्यक्ति तो ये अपने आप में अप्रूवल है कि देयर इज फियर ऑफ गॉड इन अ पर्सन. ओके. सो फाइनली आई विल कंक्लूड इट. व्हाट इज बाइबल स्टडी? टू गेन नॉलेज. ये तीन चीज एक साथ, इट्स अ ट्रायंगल. क्या क्या चीज? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम. या मैं कहूं कि फियर ऑफ गॉड एंड डिपार्ट फ्रॉम एविल एंड देन नॉलेज. ये तीनों यदि नहीं है तो यू आर नॉट डूइंग बाइबल स्टडी. मैं सोचता हूं मेरी बात इट इज वेरी क्लियर. ये मेरे शब्द नहीं है. बाइबल बोलती है कि बेटा मेरे पास बहुत सारे विषय हैं, पर उसने बोला कि बेटा इस बार जितने लोग आ रहे हैं मुंबई में उनको ये बात जरूर बता देना. ओके. सो इस दो दिन में पहला पीरियड ये हुआ कि इफ यू आर स्टडिंग द बाइबल कॉन्सेंट्रेट अबाउट दिस ट्रायंगल. यदि बाइबल अध्ययन हो रहा है और भय नहीं है, बहुत ज्ञान बढ़ रहा है पर भय नहीं है और बुराई दूर तुमसे जाती नहीं है, तो यीशु ने बोला था विश्वासियों को क्या? तुम अपने किसकी संतान? बोला तुम अपने पिता शैतान की औलाद. तुम्हारा पिता शैतान. सो आई बिलीव परमेश्वर इस बार हम सबों की एकदम लाइन से लीडिंग करेगा और हमारी सहायता करेगा कि हम इम्प्रूव करें.